कल राज्यसभा में किसान बिल पास कर दिया गया, अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। किसान बिल विधेयक पर भारी विरोध, भारी हंगामा, मार्शलों के साथ मारपीट की भी घटनाएं हुई। जो भी घटनाएं हुई अभी आप देखेंगे। उसके बाद टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा उनकी सुनेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है, पंजाब हरियाणा में ही किसान बिल पर विरोध क्यों है, बिहार यूपी और राज्यों में क्यों नहीं है? It's now 120, 125. I just left Rajya Sabha to come here to Central Hall to give out this message. None of the PA systems are working. This government did not allow us in the opposition on the farmers bill. We all had resolutions to send this to our select committee. The rule of the house says that if one member also asks for a voting, this government knew that they were not in a position to pass this bill. There were 13 or 14 opposition parties, including Trinamool, including Congress, all parties, Biju Janata Dal, SP, DMK, CPM, CPI, SP, Aam Aadmi, all of us were there. But we saw today, this is the brutal murder, more than a murder, murder of our parliamentary system, murder of our democracy. What is going on today? Even the Rajya Sabha TV have been asked to cut away it so we cannot show our protests. We were all there. I was handled by four or five of the marshals. I want to thank all my colleagues from the opposition who joined us. Not to see this, I want to thank everybody. Media was not here. Now we know why the media was not here. Yes, BJP and all of them are calling it a historic day. It is a historic day here in Rajya Sabha. This is a आज बहुत बड़ा दिन है किसान भाइयों हम सबके लिए, क्यों मैं हम सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद भी किसान हूं। ये मेरे खेत की सरसों है, ये मेरे खेत की गेहूं है, कणक है, मैं खुद किसान हूं। पिछले 20 साल से अपने खेतों में चीजें उगा रहा हूं और इस बार गाजर, मूली, शकरकंदी भी मैंने लगा रखी है। मेरी ये आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि जो मोदी जी ने एग्रीकल्चर बिल पास किया है उन पे भरोसा करें और लोगों की बातों पे, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाएं, और ताकि हम लोग अपनी मर्जी से, अब कोई भी बिचौलिया नहीं है, अपने देश का, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। और मोदी से एक और गुजारिश है, मोदी जी हमें अब देसी बीज भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि देश भारत बहुत आगे बढ़े और प्योर ऑर्गेनिक हो। रब रखा, लव यू ऑल। इस किसान बिल पर आपके क्या विचार हैं? किसान विधेयक बिल किस तरह का होना चाहिए? क्या क्या खामियां हैं? आप कमेंट में जरूर लिखें। कल की राजनीतिक घटनाक्रम आपने देखा। इस तरह की खबरों के लिए गोल्ड न्यूज देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से भी बचते रहें।